हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमजीसी टेक। आज हमारे पास एक प्रिंटर आया है L3115। इसमें एक्चुअली पेपर नहीं खींच पा रहा है, तो चलिए हम पहले देखते हैं इसको डायग्नोस करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्रिंट बटन दबाया और ये पेपर लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। ये हमारा पहला पेपर तो इसने उठा लिया, लेकिन इसमें पेपर नहीं ले पा रहा है। हम और भी प्रिंट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पेपर आधा जाकर फिर जाम हो जा रहा है। ये एक्चुअली जो हमारा होता है पिकअप रोलर के कारण होता है। अगर पिकअप रोलर का स्प्रिंग में प्रॉब्लम हो तो भी ये प्रॉब्लम आता है, या तो फिर हमारा पिकअप रोलर ख़राब हो चुका होता है तो ये आता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसका पिकअप रोलर को, इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों हम लोग इसको खोल के देखते हैं पहले। तो खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दो स्क्रू होता है जिसे आप खोल लेंगे। हम लोगों ने इस स्क्रू को पहले ही खोल रखा है और उसके बाद इसे धीरे से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे कुछ केबल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। इसको हम डिसकनेक्ट करेंगे पहले। ये तीनों केबल को हम डिसकनेक्ट कर देंगे धीरे से और उसके बाद इसे हल्का लेफ्ट करके इसको खोल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर पिकअप रोलर है जिसका रबड़ बहुत ही ढीला लग रहा है। आइए हम पहले इसको खोल कर देखते हैं। इसको खोलने के लिए हम पहले सिंपली इसको राइट में थोड़ा सा पुश करेंगे और ये हमारा खुल जाएगा। और ये एक स्प्रिंग होता है जिसे हम, और ये हमारा जो है पिकअप रोलर है। तो ये जो रबड़ का ग्रिप है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और ये ढीला भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आइए हम इसे खोलते हैं। इसे निकालने के लिए सिंपली हम ये वाला दो यहाँ पे जो हमारा है इसको हम दबाएंगे और दबाने के बाद इसे हम पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग है, इसे हम खोल लेंगे धीरे से। ये हमारा डस्टबिन दोस्तों प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे हम पहले खोल लेते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा बहुत ही लूज हो चुका है। इसको हम पहले चेंज करेंगे। और एक हमारा ये वाला पिकअप रोलर होता है, तो हम साथ में इसे भी चेंज कर देंगे इसे खोलने के लिए। सबसे पहले हम इस वाले स्प्रिंग को खोलेंगे और उसके बाद इसे धीरे सा पुश कर देंगे। तो ये हमारा बाहर आ गया है और हम उस वाले स्प्रिंग को भी निकाल लेते हैं और हम इस वाले पिकअप रोलर को भी चेंज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंक फैला हुआ है, तो पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों हम अभी इसमें न्यू जो पिकअप रोलर है उसको लगा देंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया और ये वाला दूसरा पार्ट भी हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये वाला दोस्तों जैसे था वैसे ही लगा लेंगे। इसे लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना होगा, तो इसको हम खोल लेते हैं।
और जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को हम यहाँ फंसाएंगे और ऐसे लटका देंगे। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे ऐसे फंसाएंगे और इसके बाद इसे पुश कर देंगे और स्प्रिंग को इसमें फंसा देंगे हम। तो देखा जो स्प्रिंग है उसको हम इसमें सिंपली फंसा देंगे। ये हमारा हो गया है दोस्तों। अब हम दूसरे वाले को लगाएंगे। इसे हम दोस्तों सिंपली ऐसे फंसा देंगे। इसे फंसाने के बाद एक स्प्रिंग को इसमें लगाएंगे और दूसरे साइड वाले स्प्रिंग को इसमें हम और इसको सिंपली हम इसमें लगा देंगे। ये हमारा देख सकते हो ये लग चुका है। अब इसका कवर हम लगा देंगे। कवर लगवाने के लिए हम सिंपली इसको यहाँ ऐसे बैठाएंगे ये वाले को यहाँ फंसा के और इसको सिंपली राइट में पुश कर देंगे। ये हमारा लॉक हो जाता है। और अभी हमारा बचता है यहाँ का एक स्प्रिंग। ये वाली स्प्रिंग को भी हम लगा देंगे। इस वाले स्प्रिंग को भी हम सिंपली इसमें फंसा देंगे। तो आप देख सकते हो पहले ये नीचे का जो काला वाला है काले वाले में हम फंसाएंगे और इसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। ये हमारा स्प्रिंग लग गया। दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये जो दोनों स्प्रिंग है ये यहाँ पे लग जाए। और ये वाला लॉक को हम इसमें घुसाएंगे इसको सिंपली ऐसे और इधर वाले लॉक को भी हम धीरे सा लगा देंगे। ये हमारा हो गया ओके। और अभी हम स्कैनर को ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम ये केबल्स को कनेक्ट कर लेंगे। एक केबल को हम यहाँ लगा लेंगे और ये वाले को हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये वाले को हम यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है अभी रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग टेस्टिंग करके देखते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर बिल्कुल अब ले रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये ब्लैंक प्रिंट इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसीलिए ये ब्लैंक ही प्रिंट आ गया है। तो दोस्तों आप देख रहे एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम था ये पेपर को खींच नहीं पा रहा था। ये दोस्तों दो तरह से प्रॉब्लम आता है। एक तो पेपर को बिल्कुल ही नहीं खींच पाता और एक दूसरा आता है कि पेपर आधा अंदर जाके और उसके बाद वो फंस जाता है। आधा खींचेगा उसके बाद वो फंस जाता है। उस केस में जो हमने इसके पीछे वाले ये वाला जो हमने नीचे वाला इसका जो
पिकअप रोलर को चेंज कर रखा था, उसके कारण भी ये इशू आता है। और ये अगर आधा घींच रहा है या पूरा नहीं घींच पा रहा, तो ये दोस्तों ज़्यादातर केस में ये पिकअप रोलर का ही इशू होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप कमेंट में आके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।